गाइज सेम जैसे कि टालिन सिटी में उसी तरीके से यहाँ भी देखिए सारे लॉकर्स हैं। इन लॉकर्स को आप यूज कर सकते हैं, बड़े हैवी लॉकर्स हैं बड़े साइज के, और जिसके लिए आपको पे करना होगा 6 यूरो फॉर 24 आवर्स। 6 यूरो में 24 आवर्स आप लॉकर्स को यूज कर सकते हैं। ये देखिए बहुत सारे लॉकर्स हैं। ये आप देख रहे हैं हेलसिंकी का रेलवे स्टेशन, इंटरनेशनल रेलवे स्टेशन ऑफ हेलसिंकी। अच्छा काम हुआ, और वो ये हुआ कि मैंने चार्जिंग में मैंने यहाँ भाई साहब के यहाँ लगा दिया है और इन्होंने फ्री अलाउड कर दिया है मुझे। मैंने अपनी बैटरी भी चार्ज करने के लिए लगा दिया है और मोबाइल भी लगा दिया है, तो ये बहुत ही अच्छी जगह है। और ये देखो हेल्पफुल पर्सन है, ही हेल्प्ड मी, ही इज़ वेरी गुड मैन।
So this is you know, this is a metro station complex. I have to remember that shop. गाइज यहाँ सब कुछ महंगा है, आप देख सकते हैं यहाँ पर कोई भी, अगर आप कोई भी जूस लेते हैं तो कम से कम 5 यूरो से कम कुछ भी नहीं है, बहुत ही महंगा है यहाँ का मेनू आप देख सकते हैं। तो ये सिटी सेंटर के अंदर आ चुके हैं, ये सिटी सेंटर मॉल है जिसके अंदर इस समय आ चुके हैं और यहाँ पर मुझे क्या करना है मुझे खुद नहीं पता है। एक्चुअली मुझे टाइम पास करना है तो कहीं ना कहीं तो जाना ही है, तो मैं आ गया हूँ इस सिटी सेंटर मॉल में। तो ये है सिटी सेंटर का मॉल, तो पानी की बॉटल लेनी है तो अंदर जाना ही होगा, और अंदर जाना होगा तो डॉग को अपने हाथ में लेना होगा, तो इसीलिए डॉग को मैंने अपने हाथ में। यहाँ के प्राइसेस क्या हैं आप देख सकते हैं, फिनलैंड में यहाँ की प्राइसेस काफ़ी हाई प्राइसेस हैं यहाँ के, और अगर आप कंपेयर करेंगे इस्टोनिया से तो इस्टोनिया से यहाँ के प्राइसेस बहुत ज़्यादा हैं। आप देख सकते हैं हर एक चीज़ के प्राइसेस ज़्यादा हैं यहाँ पर, जो ये मिलता है वहाँ पर प्याज लेस देन 1 यूरो में, वो यहाँ पर 3.29 में है, और जो मिलता है वहाँ 20 सेंट पर केजी में प्याज वो मिलता है यहाँ पर 1 यूरो 19 सेंट में। ये जो रेड प्याज है वो मिलता है वहाँ पर 69 सेंट में या 80 सेंट में, यहाँ पर है 105 सेंट। तो ये आलू वगैरह देख रहे हैं आप 145, ये वहाँ पर 20 सेंट पर केजी है। तो फिनलैंड काफ़ी महंगा है यहाँ पर, अगर आपको सैलरी ज़्यादा मिलती है, पैसे ज़्यादा मिलते हैं, कमाई ज़्यादा होती है, तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर खर्च भी ज़्यादा है और महंगाई भी ज़्यादा है। कोई भी अपार्टमेंट आपको 1000-1200 यूरो से कम में नहीं मिलेगा। तो इस तरीके से कुल मिलाकर के ये जगह काफ़ी महंगी है, और कुछ चीज़ें सस्ती दिखाई देती हैं, जैसे कि ये जो कुकीज़ वगैरह है ये ज़रा सस्ती चीज़ें दिखाई देती हैं। Excuse me, something is there in vegan? I'm not sure. Nothing is here? Maybe something, but I'm not sure. Uh-huh.
सो गाइज इट्स वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड आउट वीगन फूड हियर इन दिस मॉल इन दिस सुपर मार्केट. सो राइट नाउ आई हैव नो आइडिया. पोर्क सब ये वीगन फीगन तो यहाँ पर कुछ दिखता नहीं है. वीगन फूड होना चाहिए बट आई एम नॉट लुकिंग हियर. प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा हैं आप देख सकते हो हर एक चीज़ के प्राइसेस हैं. लेकिन अगर जब कभी भी आप फिनलैंड आते हैं तो आप बाहर रेस्टोरेंट में खाने की जगह पे खाने की अपेक्षा आप यहाँ से आप चीज़ें खरीद लें. यहाँ से आपको रेडीमेड सैंडविच मिल जाएंगी, पिज़्ज़ा मिल जाएंगे, बर्गर मिल जाएंगे, पेटिस मिल जाएंगे, जो कि आपको मतलब जो सुपरमार्केट के प्राइस पे मिल जाएंगे. लेकिन इन्हीं चीज़ों को अगर आप बाहर जाके रेलवे स्टेशन में या किसी रेस्टोरेंट में बाई करेंगे. अच्छा ओके जस्ट आई नीड वाटर बिकॉज आई नीड वाटर जस्ट वाटर प्लीज शो मी वेयर इज वाटर. No gas water. This no gas? Yeah. Okay. Still water, no? Just excuse me. We need to get out. Okay. They are telling me. Okay. Just put them. So it's very difficult because they are not allowing dogs. Where is my water? My water. वेरी डिफ़िकल्ट. मुझे शिवर बेटे को बाहर रख के आना पड़ा क्योंकि डॉग अंदर अलाउड नहीं है. और यहाँ पर प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा हैं आप देख सकते हैं. चल चला तू अगर हर एक प्रोडक्ट पे मैं अगर कैमरे को रोकूंगा तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा. आप वीडियो को रोक करके आप प्राइस वगैरह देख सकते हैं कि कितने महंगे प्राइसेस हैं यहाँ पर. हर चीज़ यहाँ महंगी है, काफ़ी महंगी है. और मुझे जो चीज़ लेना था, वाटर लेना था, वो मैंने ले लिया है. और मुझे बाहर निकलना चाहिए लेकिन मैं अगर थोड़ा इधर उधर चल रहा हूँ तो वो केवल आप लोगों के लिए, जिससे कि मैं थोड़ा सा आप लोगों को कुछ दिखा सकूँ. ये देखो ओट मिल सब कुछ यहाँ महंगा है, कुछ भी यहाँ सस्ता नहीं है. तो ये एक फैक्ट है. तेरे डू यू हैव वीगन फूड? वीगन वेयर इज? सो आई आस्क्ड हर फॉर वीगन फूड एंड सी इज गोइंग टू शो मी. ओके ओके या थैंक यू. एंड दीज आर डायरेक्ट रेडी टू ईट? ओके दिस ओनली दिस आर वीगन. No, this is not. No, but this is also vegan. Oh, okay. Yeah. Thank you. So these are the vegan, vegetarian, you can see. And the prices are $2.39. It's very nice price. Very nice. But ये मुझे नहीं चाहिए भाई. मुझे जो है वीगन में ये क्या है? ये भी सोया का ही है, ये वेजिटेरियन है. और ये भी नहीं चाहिए मुझे सोया मिंचे. तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं वीगन में. ये देखो वीगन है और ये 189 का है. ये एक ले लेते हैं, ये 2 यूरो का. तो ये एक काम करेगा. और चिल्ली, तो ये चिल्ली वाला जो है ये भी ले लेते हैं एक. सो गाइस मैंने ये 2 आइटम ले लिया है. ये वीगन है और ये देखिए ये है माय बेस्ट वेगी. ये है, ये कितने का है? ये दिखा देता हूँ आपको. ये है 2 यूरो का. और ये एक ये ले लिया है, ये चिल्ली सिन गार्नेट. ये है 239 का. तो दोनों मिला कर के लगभग 4.5 यूरो हो गए हैं. तो रात का खाना ये हो जाएगा. तो कहीं पर कुछ लेना ही पड़ता है और कोई ऑप्शन भी नहीं है. ये मैंने ले लिया है और अब मुझे केवल एक जूस लेना है. तो
गाइस प्राइसेस यहाँ काफ़ी ज़्यादा हैं, आप देख सकते हो। मुझे चाहिए जूस, चाहिए मुझे। Where are juices? Cold juice? Yeah. Right here. Okay, thank you. So here are the juices. 245. Which one is cheaper? I think more cheaper. गाइज ये है यहाँ की मार्केट, सुपरमार्केट, और देख रहे हैं आप यहाँ के प्राइसेस काफ़ी ज़ोरदार हैं, काफ़ी महंगे हैं प्राइसेस। और अगर आपको लेना है तो आपको पे करना ही पड़ेगा, महंगा हो या सस्ता। तो गैस प्राइस तो काफ़ी है यहाँ पर, हर चीज़ के प्राइसेस बढ़े हुए प्राइसेस हैं। और आखिर ये फिनलैंड है तो फिनलैंड में प्राइसेस ज़्यादा होंगे ही होंगे। Just like what?